एंड आई पर्सनली है अ लॉन्ग डे में जो दो तीन जगह जाना पड़ गया घर आते थे लेट हो गया इस वजह से आई नो अगेन इरफान वेल कम एन से कि आपकी वीडियो लेट क्यों आती है सो एम सॉरी इरफान इट जस्ट बिकॉज के मैं पहले सुबह अपने प्रीवियस कॉलेज गया था फिर वहाँ से मैं ऑफिस गया ऑफिस से जाने के बाद फिर मैं घर आया सो आई हैड कपल ऑफ वर्क टू डू इस वजह से लेट हो गया बट 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 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि यार uh, रखना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए एंड देन वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी हैव तो सबसे पहले कुछ चीजें जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी जो मुझे लगता है कि टेक्निकली नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हम शायद कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं सी वी टॉक अबाउट यू नो कि हमारे पास माकी प्लेयर्स नहीं थे कुछ लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पर कि यार हमारे ना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे हम फुल स्ट्रेंथ टीम की तरह नहीं खेल रहे थे बट आप सोचो कि जो प्लेयर हमारे पास खेल रहे थे ये वो प्लेयर्स हैं जो पिछले एक दो साल से साथ में एज अ टीम खेल रहे हैं एक दो प्लेयर मिसिंग है तो अगर 19 बीस होता तो आप कह सकते थे भाई आप 50 ओवर मैच खेल रहे हो एंड यू सी कि आप 50 ओवर कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हो दो चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगी हालांकि यस मैंने पूरा मैच नहीं देखा आने के बाद मैं कुछ हाइलाइट्स हाईलाइट वाईलाइट करके मेरे को आइडिया लगा कुछ मैंने चीजें पढ़ी तो मुझे जितना आइडिया लगा मैं उस बेस पर बात करूं लेकिन एक कॉमन स्टैंडर्ड पर जो बात है वो आई थिंक आप भी उस पर अग्री करोगे सबसे पहला ये हम फिफ्टी ओवर गेम को कंप्लीट फिफ्टी ओवर नहीं खेल पा रहे यस

यस आई एम ग्लैड के कुशल बुडल के बैट से कुछ रन आए एंड आई एम आईसो ग्लैड के कुशल मल्ला के बैट से कुछ रन आए यू नो के दीज टू आर वन ऑफ अमंग अमंग माई फेवरेट प्लेयर्स बट यहाँ पर बात फेवरेटिज्म की नहीं हो रही यहाँ पर बात ये हो रही है कि यार आप सोचो कि हमारे ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको कनाडा जाएंगे जो आपको वहां पर सी डब्ल्यू सी एल टू खेलते हुए दिखेंगे और सोचो नई कंडीशन होगी नई टीम होगी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सो वेन यू कैनॉट कंप्लीट फिफ्टी ओवर्स तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है और क्यों ऐसा होता है कि जब जब हम घर से बाहर जा कर के खेलते हैं हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिप डाउन हो जाती है ये पहली बार तो नहीं है आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई सी डब्ल्यू सी में हमारे पास संदीप होंगे या संदीप नहीं थे बट बहुत संदीप तब होंगे जब आपकी बॉलिंग की बात आएगी मैं बॉलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सिंपल एक सवाल कर रहा हूं कि भाई आप पूरे पचास ओवर नहीं खेल पाए आपके पास सिर्फ दो प्लेयर ऐसे थे जो 50 बॉल कंप्लीट कर मतलब 50 बॉल आप सोचो कि किस चीज से कंपैरिजन करना पड़ रहा है हम यूजुअली ये कहते हैं कि यार अगर वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा है मतलब अगर 50 ओवर का मैच चल रहा है तो कितने बंदों ने हाफ सेंचुरीज करी या कितने यू you नो know, किसने सेंचुरी करी अगर रन ज्यादा बने हाफ सेंचुरी कितनी आई कितना हाइएस्ट रन रहा हम रन के मामले में बात करते हैं बट देखो हम किस मामले में बात कर रहे हैं कि भाई पचास बॉल भी ढंग से नहीं खेल पाए दो प्लेयर हैं जो क्रॉस कर पाए और ओडीआई का सिंपल फंडा क्या होता है अगर आप टिके रहोगे आपके पास रन आएंगे पचास ओवर का मैच है आप देखो दो प्लेयर जिन्होंने फिफ्टी क्रॉस करीब नंबर ऑफ बॉल्स में उनके ही रन ज्यादा है वरना रन नहीं है तो अगर आप अपनी विकेट दे दोगे हालांकि आई डिड नॉट सी कि विकेट एक्जैक्टली exactly गिरी किस तरह से बिकॉज मेरे को हाईलाइट में बहुत सारी चीजें नहीं दिखी बिकॉज मुझे प्रॉपर हाईलाइट नहीं मिली कहीं पर कि वीडियो प्रॉपर हाईलाइट्स में दिख रही हो तो अगर आप लोग कहीं पर दिखी हो तो मुझे बता देना मैं जाकर उसको एक बार देख लूंगा बट जितना मुझे देखा जितना मैंने देखा और जितना मैंने समझा उससे मुझे यही दो तीन चीज समझ में आई है कि हम एनपीएल की बात लगातार कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि यार हमारे पास एन एन में आठ टीम है हमारे कुछ माकी प्लेयर्स हैं वो इस टीम को और इस लीग को और बड़ा करेंगे बट एट टाइम वी आर स्ट्रगलिंग टू सी के यार वो माकी प्लेयर क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी के हिसाब से माकी हैं है या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी है क्या होता है दो तरह के मां प्लेयर होते हैं एक वो होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है हम कहते हैं जैसे जैसे ए बी डिविलियर्स भाई अच्छी परफॉर्मेंस है तो पॉपुलैरिटी आ गई विराट कोहली परफॉर्मेंस अच्छी है पॉपुलैरिटी आ गई लेकिन हमारे पास कुछ प्लेयर्स है जो अभी उतना एक्सट्रॉडनरी परफॉर्मेंस नहीं आई है बट येस पॉपुलैरिटी है बिकॉज नेपाल इज अ लैंड जहां पर स्पोर्ट्स uh, को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और बहुत ज्यादा वार्म वार्मली वेलकम किया जाता है इस वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ गई है बट इज इट अनफ इट्स नॉट अनफ नेपाल में सॉरी एनपीएल में बाकी प्लेयर्स आएंगे उसकी बात हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर आएगा जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं कुशल बुडेल बहुत दिन से रन नहीं कर रहे थे आज उनके बैट से रन आए लेकिन क्या वो इनफ थे नहीं वो इनफ नहीं थे वी नीड मोर रन क्योंकि आप एक सौ इस पर नहीं जीतने वाले हो आई अंडरस्टैंड पहला मैच था आई अंडरस्टैंड स्ट्रेंज कंडीशन थी कंडीशन ऐसी नहीं थी जहां जाकर के आप एकदम यू नो वेल वर्स्ड हो और खेल चुके हो बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आप अब जिस कंडीशन में जा रहे हो वो इससे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है वहां पर इससे ज्यादा वेल स्ट्रेंथ प्लेयर दिखेंगे आप एक डेवलपमेंट टीम से खेल रहे थे और उसने आपको ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओवर में हरा दिया उसने आपको फिफ्टी ओवर्स खड़ा नहीं होने दिया

कि वहाँ जाकर कुछ बेहतर हो जाए होप कि रोहित पौडेल जो है वो अपना उनका ओडीआई जो है जो उनको टी लगता है वो ओडीआई निकल कर आए और उससे जा के थोड़ी परफॉर्मेंस निकल कर आए बिकॉज अभी के हिसाब से नो वी आर नॉट रेडी और अगेन हम एक सबसे डेंजरस पाथ पर जा रहे हैं जो कि अवे है वे में वी आर वेरी पुअर एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस सो आप में से अगर कोई लोग हैं जो मुझे काउंटर यह बात कह के कहना करना चाहता है कि भाई हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे हम फुल स्ट्रेंथ टीम की तरह नहीं खेल रहे थे सो गाइज आई डोंट थिंक कि यह सही टाइम है आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दिस कि नहीं वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ और अगर आपसे जो ना, आप टेस्ट नेशन की बात करते हो काफी बार बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि भाई हम टेस्ट नेशन कब बनेंगे मतलब फॉर्गेट अबाउट टेस्ट नेशन यार टेस्ट नेशन नहीं बनना पहले आप अपने बेसिक नेशन को स्ट्रांग कर लो पहले आप अपना फिफ्टी ओवर स्ट्रांग कर लो आप टी ट्वेंटी खेल रहे हो घर पर खेल रहे हो अच्छा खेल रहे हो इट्स टाइम इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड मुझे पता है मेरी ये बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और बहुत लोग शायद मुझे बुरा भला भी लिख देंगे लेकिन यार ये सच है अगेन मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकता हूँ जब अच्छा है तो अच्छा है जब बुरा है तो बुरा है सो so, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाने से पहले आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स इट्सेंट टू इट्स टू कवर दोज बेसिस और फिर हम आगे बढ़े खैर अब यहाँ से मैचेस नहीं है प्रैक्टिस थी प्रैक्टिस उतनी कुछ खास हो नहीं पाई हमें ये प्रैक्टिस गेम मिला था और हम शायद इस प्रैक्टिस में फेल हो गए शायद इस प्रैक्टिस में जो सब कुछ हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला या हमने वो सब कुछ करके नहीं दिया सो लेट्स जस्ट सी कि अब हम यहाँ से आगे कब निकलने वाले हैं कब हम कनाडा पहुँचते हैं और कब हम वहाँ कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं क्या हम कुछ इंटर स्क्वाड मैचेस खेलते हैं क्या हम वहाँ की कंडीशन से यूज़ टू हो जाते हैं या फिर एक दो मैच लेते हैं हारते हैं और फिर जा के जीतते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा और हम टेबल में बहुत नीचे आ जाएंगे सो इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जीतना है और हम सिर्फ संदीप पर या रोहित पर या कुशल पर किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं वी नीड एवरी सो लेट्स जस्ट होप के इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस मैच से हमें एटलीस्ट ये समझ में आया कि भाई अगर हर खिलाड़ी भी 50 साठ बॉल खड़ा हो जाता है सो हमारा वो स्कोर ऑटोमेटिकली 150 से उठ करके 250 पहुंच जाएगा और एक बार वो 250 पहुंच गया दैट्स दैट्स इट इट डन एंड सो लेट्स जस्ट होप कि ऐसा कुछ हो और यू नो रिजल्ट थोड़ा हमारे फेवर में आए खैर uh, जाते जाते मुझे प्लीज बता देना कि क्या मुझे इसमें लाइट में चेंज करना है बिकॉज इट्स न्यू लाइट और आई होप कि इट्स अ बेटर वन बिकॉज मुझे मेरे हिसाब से इट्स फाइन आपके हिसाब से पिछली वीडियो कंपेरेटिवली इज इट बेटर और नॉट do let me know so that i can work accordingly till then you guys have fun if you are watching this at night hope you have a good night if you're watching this in the morning have a very very good day enjoy your day guys bye bye and take care